Hi everyone, today's video will be very interesting. We will be discussing on gap must be fill theory. ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो भी गैप अप होता है या गैप डाउन होता है वो फिल हो ही जाता है, पर अगर उसके साथ ट्रेड करना है, वो थियरी को फॉलो करना है, तो देन हाउ कैन वी फॉलो, वी शुड अप्लाई फ्यू रूल्स. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमें अदा इंटरप्राइज का ये डेली चार्ट है जहाँ पे दिख रहा है कि फ्यू डेज बैक वी गॉट द गैप अप. ये जो गैप अप है वो फेक भी हो सकता है, राइट? अभी ये फेक है कि रियल है उसके लिए देखिए. कई लोग क्या करते हैं, गैप मस्ट बी फिल की थियरी के हिसाब से ऊपर से यहाँ से ही सेल करने लगते हैं. इन दिस केस डेफिनेटली वी हैव गॉट द गुड रिजल्ट, बट कई बार हो सकता है कि ऊपर और एक गैप अप हो जाए और हम वहाँ पे ट्रैप हो जाए. तो इसीलिए गैप अप की थियरी में ऑलवेज आपको ये ध्यान रखना है कि गैप मस्ट बी फिल ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर हमें वेट करनी होगी गैप फिल होने की. तो वो कैसे, तो देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ टू हॉरिजॉन्टल लाइंस कि ये जो था वो गैप अप था, राइट? अभी गैप अप जो है वो यहाँ पे फील हो चुका है, लिटिल मार्जिनली बाकी है लेकिन फील होने की ट्राई की है, और उसके बाद यहाँ पे एक क्लोज ऊपर दिया है, यानी नीचे जाने के लिए अभी प्रिपेयर हो चुका है. अभी अगर ये लो ब्रेक होता है ये एक्शन कैंडल का, ये रिएक्शन माना जाएगा एट द सेल साइड, एंड दिस लो इज 2350. अगर ये ब्रेक होता है तो स्टॉप लॉस रहेगा, रिएक्शन का हाई 2435, एंड दिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस दोस्तों. आपको सिर्फ टेस्टिंग करना है या बैक टेस्ट या पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो ये लो ब्रेक होना जरूरी है, यानी गैप मस्ट बी फिल थियरी ऐसा नहीं है. आपको ध्यान रखना है गैप पहले फिल होना चाहिए, आफ्टर दैट थोड़ा ऊपर की ओर रिएक्शन आना चाहिए, और कल अगर ये लो ब्रेक होना जरूरी है. अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ से रिटर्न भी हो सकता है. तो ये लो रहेगा 2350 जो आपको ध्यान में रखना है. वही बात बैंक निफ्टी की, तो वो भी साथ में देख लेते हैं. बैंक निफ्टी के लिए अभी आप देखो तो पूरा चौपी जैसा दिख रहा है. ये लो ब्रेक होने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला. यहाँ पे अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कल के लिए, ये लो है 4345, और ऊपर की ओर बात करें तो ये हाई ब्रेक होना चाहिए 44083. बट ओवरऑल देखने जाएं तो पूरा साइडवे जैसा अभी फिलहाल तो दिख रहा है. एंड दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस.